औरंगाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने की खबर सामने आई है। मामला नगर थाना क्षेत्र के न्यूकाजी मोहल्ले का है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। 4 से 5 लोग की संख्या में अचानक लोग घुसे, हाथ में पिस्टल लिए थे और हमारे सर पर पिस्टल से मारे, सर से खून बने लगा। टेप लिए हुए थे उन लोग, टेप से हाथ को बांधने की कोशिश किया, उसके बाद मीरा खुला और खुले के सब चले गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। की दुकान में लूटपाट की घटना हुई है, जांच हो रही है, पहचान कर रहे हैं हम लोग, उसको पकड़ेंगे। कितने संख्या में लोग आए हैं? अभी तो क्लियर नहीं है, लगता है 4-5 हैं। क्या कर रही है सर इसमें? सब पुलिस सर जांच कर रही है। पुलिस लुटेरे करीब 30 लाख की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार है। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। औरंगाबाद से प्रियदर्शी की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।